पहला सवाल आपसे यही होगा, जो ओवरऑल परिस्थिति है, प्रधानमंत्री से आज क्या बातचीत हुई? क्या आपने भी वहां पर अपनी बात रखी? क्या आपने राज्य की तरफ से जो भी कहा हो या अन्य लोगों ने, 3 मई के आगे क्या लॉकडाउन बढ़ सकता है? क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? बघेल साहब, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, उस विषय में मैं भी था, लेकिन जो 9 मुख्यमंत्री बोलने का जिनको मौका मिला उसमें मैं नहीं था जी। लेकिन उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जहां कोरोना वायरस नहीं है उन्होंने अपनी स्थिति बताई, और जहां अधिक है उनके बारे में बात हुई। कुछ मुख्यमंत्रियों ने ये जरूर कहा है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ 28 जिला है, 28 जिला में 23 जिला पहले ही ग्रीन डिस्ट्रिक्ट रहा है। 4 ऑरेंज था, लेकिन पिछले 4 सप्ताह से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। एक रेड जोन था, उसमें भी पिछले 10-11 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इस प्रकार से कंट्रोल में केवल 5 मरीज हमारे यहाँ है, जिसमें से 4 मरीज 1-2 दिन में उनकी वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक हमारे हेल्थ वर्कर है जो एम्स हॉस्पिटल में ही काम कर रहे थे, उनको पॉजिटिव निकला है, वो 3 दिन पहले की बात है। तो आप आंकड़ों के नजरिए से तो देखें तो छत्तीसगढ़ में परिस्थिति बहुत अच्छी है। आप क्या चाहेंगे, 3 मई के बाद लॉकडाउन में रियायत मिले, ढील मिले, राज्य दर राज्य ये डिसीजन हो या सेंट्रल पॉलिसी हो, जो प्रधानमंत्री फैसला ले वही सब पर लागू हो? देखिए, जो आपके पास सारे आंकड़े हैं अलग अलग राज्यों के, क्या है इसके बारे में लगातार आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थिति है। दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, जो ये इन प्रदेशों में जहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ कंट्रोल में है, तो उनको विद इन स्टेट और विद इन डिस्ट्रिक्ट उन वहाँ छूट मिलनी चाहिए, और वहाँ राज्य को ये छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने जिलों के अपने प्रदेश के भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति देखते हुए वो उसमें निर्णय ले। बघेल साहब, अन्य राज्य जो है उसमें महाराष्ट्र पर क्या चर्चा हुई, गुजरात पर क्या चर्चा हुई, राजस्थान पर अगर आप थोड़ा बताएं, क्योंकि पूरा देश आज जानना चाह रहा है कि ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है, मैं आंकड़ों के नजरिए से अगर आपको बताऊं तो जो टॉप 5 राज्य है इन तीनों के आंकड़ों को जोड़ दें तो 66% जो मामले है पूरे देश के वो इन 5 राज्यों से आते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। देखिए, इसमें न महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलने का मौका मिला है, न राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलने का मौका मिला है। विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलने का अवसर मिला, वो सारी स्थिति अपने प्रदेश के जो आंकड़े हैं उनको भी बताया, और वो जो रोकथाम के लिए जो कदम उठा रहे हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है, और लॉकडाउन के बारे में कहा कि इसको जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रदेश में अधिकांश जो जिले हैं वो ऑरेंज हैं या रेड जोन में, कुछ जिले हैं वो केवल ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसी स्थिति में उनका कहना स्वाभाविक है कि वहाँ लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस जो शासित प्रदेश है उनमें से किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने वहां पर बोला? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला, और उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको आने जाने का अवसर मिलना चाहिए, जो कर्मचारी या उसके परिवारजन या फिर छात्र छात्राएं हैं उनको आने अपने राज्यों में लौटने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा ये कि अभी लॉकडाउन के चलते जो भारत सरकार ने फैसला लिया है तो सारे आर्थिक गतिविधि बिल्कुल बंद हो गए हैं, राज्य के राजस्व में भारी कमी आई है, और या कहे जाए तो शून्य है या न्यून है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से सहायता मिलना चाहिए और आर्थिक गतिविधि संचालित करने का भी अवसर राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। ठीक है, और एग्जिट पॉलिसी पर ही हम बात कर लेते हैं। एक तो ये जोन हम दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक, लेकिन इटली का एग्जिट प्लान हम दिखाकर आपसे बघेल साहब सवाल पूछना चाहते हैं। अलग अलग दिनों देशों में जो लॉकडाउन रहा, कितने दिनों तक रहा, इटली सबसे मुश्किल दौर से गुजरने के बाद जिस एग्जिट प्लान के साथ आया है उसमें उसका मानना है दूसरे इलाकों में आवाजाही नहीं हो, छोटी दुकानें बाजार नहीं,
पार्क और पब्लिक गार्डन को वो लेके खोलना चाहते हैं। म्यूजियम, लाइब्रेरी, गैलरी 18 मई से खुलेंगे, बार, रेस्टोरेंट, हेयर ड्रेसर 1 जून से, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं वो भी धीरे धीरे, एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां खुले, पब्लिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो, इलाके में एक दूसरे के घर आना जाना ये भी धीरे धीरे शुरू हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीमित वो शुरू करना चाहते हैं 4 मई से। क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक एग्जिट पॉलिसी, एक एक चीज चिन्हित करके भारत को भी सोचना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो किन चीजों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि जो आम आदमी से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें छूट मिलना चाहिए। जैसे अभी अब छत्तीसगढ़ की बात मैं करूँ, छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे लोग हैं जो एक जिले के लोग हैं वो दूसरे जिले में फंसे हुए, चाहे इलाज कराने गए हों, चाहे बच्चे पढ़ने गए हों, चाहे रोजगार के लिए गए हों, किसी कारण से दूसरे जिले में यदि फंसे हैं तो उनको पहले अनुमति मिलना चाहिए कि वो अपने घर को लौट सके। दूसरा यह है कि जिले के भीतर जो व्यावसायिक गतिविधि है उसको संचालित करने की पूरी छूट होनी चाहिए जहाँ ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास यदि जरूरत है तो ई पास जारी किया जाना चाहिए, लेकिन सीमा को सील करके रखना चाहिए, राज्य की सीमा को सील करके रखना चाहिए। जो बातें आपने कही है कि जो मॉल है, जो थिएटर है, जहाँ सेंट्रलाइज एसी है, वहाँ उन लोगों को अभी तत्काल शुरू नहीं करना चाहिए, उसको लास्ट में करना चाहिए, तो इससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें प्राइवेट व्हीकल वगैरह को भी अनुमति मिलना चाहिए, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें तो सोच समझ कर ही निर्णय लेना उचित होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जहाँ तक के शहरों में जो हॉट स्पॉट है वहाँ तो बिल्कुल ही बंद करके रखना चाहिए, लेकिन जो जिन जिलों में या जिन शहरों में हॉट स्पॉट नहीं है, ग्रीन जोन में आ चुके हैं, उनमें गतिविधि संचालित करने की अनुमति मिलना चाहिए।